नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। वेलकम बैक दोस्तों, आज है फिटनेस के ऊपर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में एक और सेशन, एक और लेसन। आज हम आपको बताएंगे एल्बो पेन के बारे में। जी हाँ, कई लोगों को यहाँ पीछे दर्द होने लगता है, यहाँ पर कभी, यहाँ पर एक्सरसाइज करते समय खूंखार सा दर्द होता है, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी थोड़ा दर्द होता था। अब ये क्या है? ये एक्चुअली टेंडनाइटिस है। ये एल्बो में हमारे टेंडन होते हैं जो मसल्स को लेके हड्डी से जोड़ते हैं। सो ये क्यों होते हैं, ये कैसे होते हैं और इसका इलाज क्या है, इसके लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होती है, वो क्या है जिससे आपको आराम हो जाए, कैसे आप इसको और डैमेज ना करें, इस बारे में बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई लोगों को होता है जो लोग वार्म अप नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक है वार्म अप, क्योंकि अगर आप वार्म अप करते हो तो मसल और टेंडन तैयार हो जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। सो किसी भी चीज़ के ऊपर वार्म अप बहुत ज़रूरी है, वार्म अप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब भी हम वार्म अप नहीं करते, बहुत हैवी वेट उठाते हैं, गलत पोस्चर में उठाते हैं, तो ऐसा हो सकता है। सो हमें क्या करना है, हमें पहले एक्सरसाइज से पहले पूरी बॉडी वार्म करनी है, और उस पर्टिकुलर मूवमेंट से पहले उस पर्टिकुलर मूवमेंट का वर्कआउट करना है, उस पर्टिकुलर चाहे वो एल्बो के लिए हो, चाहे वो ट्राइसिप्स के लिए हो, चाहे वो बाइसिप्स के लिए हो, चाहे वो शोल्डर के लिए हो, आपको उस मूवमेंट के लिए वार्म अप ज़रूरी है। वार्म अप करने के बाद में आपने स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करना भी ज़रूरी है वार्म अप के पहले, वार्म अप के बाद। हाथों को, शोल्डर्स को, शोल्डर स्ट्रेचेज आर इम्पॉर्टेंट। आपने यहाँ पर शोल्डर स्ट्रेच किया, आपने ऊपर से शोल्डर स्ट्रेच किया, यहाँ से शोल्डर स्ट्रेच किया, हर एक स्ट्रेच को आपने 10 टू 15 सेकेंड्स पकड़ना है। मैं जल्दी से बता रहा हूँ, यहाँ से आपने हाथ पूरा सीधा करके ये स्ट्रेच करना ज़रूरी है। ये सब तो प्राइमरी स्ट्रेच है, मैं सबसे अच्छा और बहुत सा ज़बरदस्त स्ट्रेच अभी बताऊँगा। यहाँ से 10-10 सेकेंड आपने स्ट्रेच करना है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, अब सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेच, अगर आपको टेंडनाइटिस होता है, यहाँ दर्द होता है, यस, प्राइमरी ट्रीटमेंट याद रखिए, RICE राइस, रेस्ट, मतलब उसको थोड़ा रेस्ट देना है। ऐसा नहीं कि आज ही एक्सरसाइज, कल ही एक्सरसाइज, परसों एक्सरसाइज, लेग्स कर लो, कार्डियो कर लो, थोड़ा वेट कर लो। आर फॉर रेस्ट, आइस लगाना है, ठंडी बर्फ लगाना है पहले दो दिन तक आप इसमें बर्फ लगाएंगे कपड़े के ऊपर रोल करके, तो यहाँ पर सूजन कम हो जाएगी, इन्फ्लामेशन कम हो जाएगी। सी फॉर कंप्रेशन, जब भी एक्सरसाइज करेंगे इसके ऊपर, आपने वो एल्बो के ऊपर ब्रेस बांध के, वो जो बांधते हैं, पट्टी बांधते हैं, एंकलेट बोलते हैं, ब्रेस बोलते हैं, क्रेप बैंडेज बोलते हैं, वो बांध के एक्सरसाइज करेंगे। और एलिवेशन, रात को सोते समय अगर सूजन ज़्यादा है तो थोड़ा ऊपर करके सो सकते हैं, बाकी वो ज़रूरी नहीं है। आइस और कंप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेस्ट इज इम्पॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन जस्ट डू सिटल मसाज हियर। मसाज से ब्लड सप्लाई बढ़ता है, स्कार टिश्यू टूट जाता है, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। यू कैन डू अ लिटिल मसाज बोथ साइड्स विद ऑयल, विदाउट ऑयल, डजेंट मैटर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेच जिसने बहुत ही ड्रामेटिकली आपको आराम देगा, मतलब इंस्टेंट आराम देगा, वो बता रहे हैं आज आपको। उसमें क्या करना है आपको, टेक्निकली तो आप अपना फिस्ट भी रख सकते हो, टेक्निकली एक कपड़ा रख सकते हो, टेक्निकली एक कोई भी चीज़ रख सकते हो जो आपको ये करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये कपड़ा रख लेते हैं, अब ये कपड़ा हमने रोल किया, ठीक है, एक बड़ा सा गोला बना के इसको हमने यहाँ रखना है, ठीक है, और यहाँ रख के हमने क्या करना है, यहाँ रख के हमने इसको स्ट्रेच देना है, ऐसे हमने इसको स्ट्रेच देना है, ढीला, ये हाथ ढीला होना चाहिए, ये हाथ ढीला छोड़ के हमने स्ट्रेच देना है। यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा एल्बो हमारा स्ट्रेच होता है, यहाँ से स्ट्रेच होता है, यहाँ पे ये जॉइंट स्ट्रेच होता है, ठीक है, तो ये हमने स्ट्रेच को होल्ड करना है 10-15 सेकेंड के लिए। सो दिस इज़ द स्ट्रेच विच यू डू फॉर दिस एल्बो। सो ये बहुत अच्छा स्ट्रेच का रिस्पॉन्स आपको दिखेगा कि इंस्टेंट आपका पेन रिलीफ दिखने होने लगेगा, ठीक है। इसको हमने स्ट्रेच देना है, 2-3 बार आप कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज से पहले कर सकते हो। दिस इज अ वेरी 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 इफेक्टिव स्ट्रेच जो आप कर सकते हो फॉर टेंडनाइटिस, एल्बो पेन, अपार्ट फ्रॉम द बेसिक ट्रीटमेंट। इसके अलावा आप बेसिक पेन किलर, पैरासिटामोल, ब्रूफिन, मसल रिलैक्सेंट ले सकते हैं, और एक्सरसाइज करते समय इसके ऊपर बैंडेज जरूर मारिए, और ये ध्यान रखिए कि आपकी मूवमेंट सही हो, मूवमेंट सही नहीं होगी तो फिर डैमेज कर दोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट है इसमें, एक्सरसाइज में यहाँ से लेके ऐसे करना है, स्ट्रेच करना है। अब कई बार क्या होता है, नहीं होता कुछ हमारे पास, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा सीधा ऐसे करता हूँ, ये एल्बो रख लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ ये रख के, ये करके ना किसी सरफेस पे टिक जाते हैं हम, किसी सरफेस पे ऐसे टिक के अपने आप को दबा लीजिए, स्ट्रेच हो जाएगा, है कि नहीं, हो जाएगा जी। आप किसी सरफेस पे, आप चाहते हैं जैसे ये सरफेस है, हम इस सरफेस पे यहाँ पे अपने आप को ऐसे दबा सकते हैं, है कि नहीं, आपने ऐसे दबा लिया तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा एक तरीके से। वेरी सिंपल स्ट्रेच है, यहाँ से ऐसे दबा सकते हैं,
ये स्ट्रेच हो जाएगा आपका। सो ये स्ट्रेच आपने करना है, उसके बाद में एल्बो रिलैक्स करिए, अपना वार्म अप करिए, फिर जाके अपनी एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज के बीच में याद रखिए जितना कम मूवमेंट रखेंगे उतना बेहतर है, तो इसलिए प्राइमरी एक्सरसाइज कंपाउंड मूवमेंट ज़्यादा करें, वरना आइसोलेटेड में आपको बार 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 गलत एंगल पर एक्सरसाइजेस होंगी। दिस इज ऑल अबाउट इट। जिन लोगों को दर्द होती है, जिन लोगों को एल्बो में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए थैंक यू सो मच गाइस। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। डॉक्टर परमजीत हियर, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी।